আজকে আমি যে রেসিপিটা আপনাদের জন্য এনেছি ওইটা তো দেখলেই মানুষে যে কোনো মানুষ হবে ওর জোরে খিদে পেয়ে যাবে, আর সে খাওয়ার জন্য আর নিজেকে থামতে পারে না। তো দেখুন আজকে রেসিপিটা। নমস্কার দোস্তো, কুক উইথ প্রীতি মে আপ সবকা স্বাগত হ্যায়। কেমন আছো বন্ধুরা? কুক উইথ প্রীতিতে আপনাদের স্বাগত আছে। আর আজকে আমি যে রেসিপিটা আপনাদের জন্য এনেছি ওইটা হচ্ছে গলদার চিংড়ি। হ্যাঁ, গলদার চিংড়ি রেসিপি এনেছি আমি। লবস্টার, সে বিশাল সাইজ, ওইটার আপনি রেসিপি দেখুন। অনেকই সাধারণভাবে আমি বানিয়েছি, অনেক সিম্পলভাবে বানিয়েছি, কেউ বানাতে পারবে, সবাইকারই ভাল লাগবে। আর আপনাদের যদি ওই রেসিপিটা ভাল লাগো তো আমার কুক উইথ প্রীতি চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করবে। इसके लिए सबसे पहले एक हमने नारियल लिया है कच्चा, इसको अच्छे से हम पीस लेंगे और इसका दूध अलग कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने लॉबस्टर को अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें हल्दी और नमक से उसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक हम उसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए किस तरह से हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हल्दी और नमक को लगा लिया है और इसको मैरिनेशन के लिए 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे। और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए लॉबस्टर को हम फ्राई कर रहे हैं, सरसों के तेल में हम फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में अलग ही स्वाद आता है। तो इसको अच्छे से सरसों के तेल में हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए किस तरह से इसने कलर चेंज कर लिया है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया है हमारा लॉबस्टर। इसी तरह से हम सारे लॉबस्टर को कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई होने के बाद इसका जो पैर होते हैं उसको भी फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से ये रॉयल ब्लू से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी काली इलायची, तेजपत्ता और 3-4 साबुत लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से तेल में डाल देंगे और फिर 1-2 बड़े प्याज के टुकड़े को, प्याज को अच्छे से पीस के डाल लेंगे और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। थोड़ा ये सुनहरा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर और फिर थोड़ी देर इसको भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर जिसको हम अच्छे से पीस लिया है, उसकी प्यूरी को डालेंगे और उसको हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए जैसे तेल छोड़ने लगता है मतलब समझ लीजिए कि हमारा अच्छे से ये मसाला भुन गया है। और फिर इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने के बाद हम फिर से अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। और इसका खास इंग्रेडिएंट होता है चीनी, तो 1 चम्मच हमने चीनी डाला है। चीनी डालने से ये लॉबस्टर हल्का मीठा टेस्ट आता है तो वो डालेंगे हम। अब इसके बाद हमने जो नारियल का दूध निकाला है उसको हम डाल के अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए ग्रेवी कितनी ठीक हो गई है। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो उसमें और ऐड कीजिए और इसको उबाल आने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। क्योंकि हमारा लॉबस्टर बहुत बड़ा था और बहुत सारे पीसेस थे तो मैंने इसको 2 कढ़ाई में एडजस्ट किया है। और फिर इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए टेस्ट के हिसाब से और उस खौलते हुए मसाले में हम अपना लॉबस्टर डाल देंगे। ये देखिए किस तरह से पक रहा है। 2 कढ़ाई में मैंने एडजस्ट किया है, हमारी फैमिली बड़ी है तो बहुत सारे लॉबस्टर लगे हैं और बहुत बड़े बड़े साइज हैं तो एक में पकाना थोड़ा मुश्किल था तो इसको हमने 2 में पकाया है। और इसको हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में इसका हम साइड चेंज कर लेंगे बहुत ही सावधानी से क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और फिर इसका टूटने का वो चांसेस होते हैं तो इसको हम अच्छे से बहुत ही आराम से इसको साइड चेंज करके और 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से घुस जाए। और इसको पकने के बाद गैस बंद कीजिए और गर्मा गर्म चावल के साथ परोसिए, आप भी खुश और आपके मेहमान भी खुश। ये देखिए अच्छे से गर्मा गर्म हॉट हम
परोसेंगे खाना और अपने मेहमानों को देंगे और खुद भी खाएंगे। ये देखिए हमारा लॉबस्टर तैयार है, हमारा चिंगली मलाई कड़ी तैयार है। আর আপনাদের কেমন লাগলো এই রেসিপিটা? ভাল লাগলো তো? ভাল লাগলে কুকিং প্রীতি চ্যানেলকে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে আমি আগে আরও আপনার জন্য ভালো ভালো এমনি রেসিপি আনতে থাকবো। ধন্যবাদ।